दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बाय होप आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छा ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं धान मशीन से कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग को मैं फर्स्ट में दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो निवाली में धान पूरी तरह से लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं यह जो धान निवाली से निकला हुआ है इसी टाइप से है, जो कि आपको आज मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि जो है मशीन से कैसे है जो कि धान निकाला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट मशीन है, जो पहले जो मशीन रहती थी इसी से है जो कि धान निकाली जाती थी। आज भी जो मशीन अभी भी है वर्तमान में, इसमें ये हैवी मशीन हो जाती है, इसमें ये दोनों काम करती है। और जहाँ तक ये आ गया दोस्तों, तो पानी अगर जो पटावन होती है, पानी का पटावन, तो ये पानी भी पटाने का काम करती है। ये जो मशीन है दोस्तों, ये हर काम में यूज में आता है, पानी पटावन, धान झराई, धान से चावल निकालने का काम, यानी ए टू जेड ये काम में मशीन आती है और हर काम में मशीन है जो कि करती है। आगे मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कौन सा जो मशीन जो कि धान निकालने का काम करता है, तो की ही जो है मशीन धान निकालने का काम करती है। और आगे जो अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह इस पे है जो बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है, और ये बेल्ट जो है ये मोटर के पास आता है, और ये जो है मोटर चालू जब होता है तो ये धान का झराई की जो मशीन है वो झाड़ने का काम करती है। और आप लोग देख सकते हैं मोटर किस तरह इसमें बेल्ट लगा हुआ रहता है। ये मोटर का जो है पंखी जो ये कंटिन्यू खुलता नहीं दोस्तों, और खोला नहीं जाता है, इसलिए कि हीटिंग ना हो, इसलिए पंखी में जो है ये परमानेंटली लगा हुआ रह जाता है। और ये है जो इसका मुंह बांध दिया जाता है। मुंह बांधने का यही रीज़न रहता है कि जो मोटर या पंखी हीटिंग ना हो या जल ना सके, तो इसके लिए क्या होता है, एक फ्लेंचर लगाया जाता है, जो कि फ्लेंचर आप इस टाइप से देख सकते हैं। इसमें बीच बीच में क्या होता है, पानी डाला जाता है, जिसमें कि पंखे का जो है वाशर वगैरह नहीं कट पाए, और हीटिंग के कारण। तो आप लोग को पूरी बताना चाहता हूं दोस्तों कि मोटर जब चलता है धान झाड़ने का कोई काम करता है, यानी पानी छोड़ के, तो इस टाइप से इसमें है जो कि फ्लेंचर लगा दिया जाता है, जिसमें कि मोटर पे या पंखी जो है इस पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसी टाइप से है दोस्तों धान झराई का काम होता है। आगे मैं इस वीडियो में बताऊं कि धान कैसे झराई होता है। वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने हुए रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कभी भी धान झराई या सूखा कोई काम करना चाहते हैं मोटर से, तो आप लोग को ये चीज़ ये फार्मूला करना इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी करना होता है, इसलिए कि अगर जो इसे आप नहीं करते हैं तो पंखे का जो है सारा पार्ट खराब होने का डर रहता है। इसलिए इसमें जब भी ऊपर का फ्लेंचर और नीचे का फ्लेंचर जो इसमें सेक्शन लगता है, ये आपको लगा के कंटिन्यू रखना है, इसलिए कि ये पानी अगर डालते रहते हैं बीच बीच में तो ये हीटिंग ना होगा और सही मोटर और पंखे इसका रह जाएगा। तो इसलिए आगे मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं कि धान का जो है झराई किस टाइप से होता है और मशीन कैसे करती है।
करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और जहां तक हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको पूरी तरह से दिखाने और बताने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से कैसे धान है जो कि मशीन निकाल के फ्रेश बाहर करती है। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और इस सब्सक्राइब चैनल लाल दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ इसको दबाकर काला कर दीजिएगा, और यहाँ से इस घंटी पर क्लिक करके ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको